हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम थानसिंह जमरा है और आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल के IMEI नंबर डालकर अपने मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। चाहे वो मोबाइल MI का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, रियलमी का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, आप अपने मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन MI नंबर डालकर चेक कर सकते हो। सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आपको मैं सारी प्रोसेस ऑनलाइन बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से सिर्फ 2 मिनट में अपना MI नंबर डालकर अपने मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन 1 मिनट में निकाल सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको ले लेकर आता रहूंगा। और मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस साइट पर आ जाओगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल में टाइप कर देना है मोबाइल वारंटी चेक ऑनलाइन। ये टाइप करने के बाद सिंपली आपको सर्च कर लेना है। आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हो जो मोबाइल वारंटी चेक करने की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो IMEI.info IMEI चेक फ्री ऑनलाइन। इस वाली साइट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पर हम अपने मोबाइल की वारंटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं इस वाली साइट पर क्लिक कर देता हूं, मेरे सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर मोबाइल वारंटी चेक करने की यहां पर काफी सारी सर्विस है, यहां पर आप क्या क्या चेक कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो। मैं यहां पर आपको जूम करके एक एक चीज यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे चेक IMEI चेकर, ठीक है, यहां पर कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, और यहां पर आप कैरियर डाटाबेस, फोन डाटाबेस, न्यूज, यहाँ पर काफी सारी सर्विस जिसका आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आप IMEI नंबर डालकर अपने मोबाइल की वारंटी को कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर चेक IMEI नंबर टू गेट टू नाउ, ठीक है, यहाँ नीचे यूअर फोन बेटर, यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पर अपने को IMEI नंबर यहाँ पर डालना है और चेक वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका IMEI नंबर डाल देता हूँ और चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर मैं आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो अपना जो मोबाइल है उसका यहाँ पर IMEI नंबर यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे मैं रोबोट नहीं हूँ, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है और चेक वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपके सामने जैसे ही आप IMEI नंबर डालोगे और चेक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल की जितनी भी सारी डिटेल्स है आपके सामने ओपन हो जाएगी नेक्स्ट पेज में, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट ये जो मैं रोबोट नहीं हूँ इस वाले ऑप्शन पर मैंने डाला था तो वो एक्सपायर हो चुका है तो मैं फिर से इसको टिक लगा देता हूँ, ठीक है। फिर चेक वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पर मेरे मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा मोबाइल है मॉडल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो मोबाइल है 5 Pro सबसे ऊपर आप देख सकते हो Redmi Note 5 Pro, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या क्या चेक कर सकते हो, मॉडल नंबर यहाँ पर देख सकते हो, मॉडल नंबर मेरा है Redmi Note 5 Pro, ठीक है। उसके बाद ब्रांड यहाँ पर चेक कर सकते हो, IMEI यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मोबाइल है उसका लोगो भी आपके सामने आ जाएगा, जो मेरा MI का मोबाइल है उसका लोगो भी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे वारंटी एंड कंट्री एंड MI अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पर आप अपने मोबाइल की वारंटी एंड कंट्री कौन सी कंट्री से इसका स्टेटस क्या है आप यहां पर चेक कर सकते हो। मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं वारंटी एंड कंट्री एंड MI अकाउंट स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूं, यहां पर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर थोड़ा टाइम लग रहा है, ये मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल की यहाँ पर गारंटी और कंट्री क्या है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, चेक शोमी गारंटी एंड MI अकाउंट स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्रेश करेगा कुछ मिनट का यहाँ पर या कुछ सेकंड का टाइम आपसे ले सकता है। यहाँ पर यूअर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसीड, यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है, ये आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल की
क्या गारंटी और कंट्री यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप मैं आपको जूम करके एक एक चीज यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्रांड Xiaomi का है, ठीक है, मॉडल यहाँ पर Redmi Note 5 Pro, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। IMEI नंबर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो क्या है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी डेट यहाँ पर कब डिलीवरी किया गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर डिलीवरी डेट अगर हम देखें तो यहाँ पर 2/7/5/2019 और ये समथिंग 2 बजे के आसपास ये डिलीवरी हुआ था, ठीक है। एक्टिवेशन डेट यहाँ पर आप देख सकते हो और एक्टिवेशन कंट्री यहाँ पर इंडिया आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर MI एक्टिवेशन लॉक यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, डिवाइस स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हो, MI क्लाउड रिमूव यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और ब्लैकलिस्ट स्टेटस प्रो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। चेक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो और भी जितना आप जानना चाहते हो अपने मोबाइल के बारे में यहाँ पर क्लिक हेयर टू चेक इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और भी यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। नीचे आप देखेंगे चेक अगेन MI नंबर, आपको अगर फिर से चेक करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बैक आ जाता हूं और बैक आने के बाद आपको बता देता हूं यहां पर आप अपने मोबाइल की और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, एक एक चीज आपको मैं डिटेल में बता देता हूं। अब मैं बैक आ जाता हूं, यहां पर मैंने आपको गारंटी और कंट्री के बारे में यहां पर मैंने आपको बता दिया और MI अकाउंट स्टेटस यहां पर आपको मैंने बता दिया। अब मैं बैक आता हूं और बैक आने के बाद आपको और इन्फॉर्मेशन बता देता हूं अपने मोबाइल के बारे में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर मैं आपको एक एक चीज डिटेल से यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो भी मोबाइल बाय करें तो आप पहले चेक कर सको कि मतलब मोबाइल कब आया है और सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अपन मोबाइल को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आप बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया वारंटी एंड कंट्री MI अकाउंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर चेक फाइंड डिवाइस स्टेटस, यहाँ पर आप डिवाइस स्टेटस भी चेक कर सकते हो और फोन ब्लैक लिस्ट चेक सिंपल, यहाँ पर ब्लैक लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। चेक फोन नंबर, आपके डिवाइस में कौन सा सिम कार्ड लगा है, कौन सा कंपनी का लगा है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पेड चेक Xiaomi MI कोड रिमूव, यहाँ पर Xiaomi MI जो क्लाउड है वो भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो और इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक है। MI Xiaomi कंट्री एंड MI एक्टिवेशन स्टेटस, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फोन ब्लैक लिस्ट चेक प्रो और अदर वाले पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने मोबाइल की जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हो। यहाँ पर हार्डवेयर रिसेट के बारे में जान सकते हो, दिस इज इनकरेक्ट इसके बारे में भी जान सकते हो, रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर जान सकते हो, बाय दिस फोन, यहाँ पर आपने मोबाइल कब खरीदा था वो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहां पर आप चेक कर सकते हो आपने मोबाइल कब खरीदा था। रिमूव MI अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो रिमूव हो सकता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिवाइस क्या है, स्मार्टफोन है, ठीक है। डिजाइन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्लासिक है और रिलीज्ड यहाँ पर 2018 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर डबल सिम है या डुअल सिम यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिम कार्ड साइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, GSM का है, ठीक है। HSDPA यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 4G का आजकल जो नेटवर्क चल रहा है क्या है, LTE, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले आप चेक कर सकते हो, उसके बाद टच स्क्रीन यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेट कितना है मोबाइल का आपके सामने शो हो रहा है, बैटरी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेमोरी, जिसको इंटरनल मेमोरी क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 64 GB का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेमोरी कार्ड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रैम यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो मेरा मोबाइल की जो रैम है, मैंने जैसा अबाउट फोन में चेक किया था वहां पर 6 GB बता रहा था, पर जैसे मैंने MI नंबर डालकर चेक किया तो यहां पर 4 GB का हमको यहां पर बता रहा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी वाले कस्टमर को थोड़ा बहुत कुछ बेवकूफ बना रहे, इसके लिए आप कंप्लेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। मेरे सामने 2 GB रैम कम है, ठीक है। मैंने अबाउट फोन में जब चेक किया था तो वहां पर 6 GB मेरे को बता रहा है और यहां पर 4 GB बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर नीचे देखेंगे तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर मोबाइल की चेक कर सकते हो।
उसके बाद नीचे देखेंगे रेड मोर, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो मोबाइल की जो भी और भी जानकारी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप वीडियो भी यहाँ पर इसका देख सकते हो, ठीक है। Xiaomi Redmi Note 4, ठीक है, यहाँ पर आप इसका वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हो। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फ्री चेक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो फ्री में आप क्या क्या चेक कर सकते हो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा नीचे आप देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से सजेस्ट किया है कि आप जब भी मोबाइल लो तो एक बार चेक जरूर करना ईएमआई नंबर डालकर, ताकि मैं यहाँ पर जैसे चेक कर पा रहा हूँ, मेरे को जैसे मैंने अबाउट फोन में चेक किया था 6 GB बताया, और जब मैंने ये ईएमआई नंबर डालकर चेक किया तो यहाँ पर 4 GB बता रहा। तो ऐसे आप जब भी मोबाइल परचेस करो या बाय करो तो एक बार आप जरूर ईएमआई नंबर डालकर चेक करना, ये कंपनी वाले थोड़ा बहुत हमको बेवकूफ जरूर बना रहे, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताए, आप अपने मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से अपने मोबाइल के IMEI नंबर डालकर अपने मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हो। मैंने सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, सारे प्रोसेस मैंने आपको ऑनलाइन बताए, आप कैसे अपने मोबाइल के EMI नंबर डालकर अपने मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो लंबा जरूर हुआ दोस्तों, पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताए कि आप कैसे अपने मोबाइल के EMI नंबर डालकर अपने मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो हमें आज ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं उसका उत्तर आपको तुरंत दूंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।